फ्रेंड्स राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको जीरो और एक नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए प्यारी सी फ्लावर ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। देखिए फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर बनाने के लिए मैंने ये टुकड़े कट कर लिए हैं। ये 4.5 इंच लंबे और 4.5 इंच ही चौड़े लिए हैं। देखिए, अब इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक बार ऐसे फोल्ड किया और अब इधर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद देखिए, यहाँ से मैं ऐसी सिलाई लगा लेती हूँ। इतने में सिलाई लगाकर फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ऐसे लिया और इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया। इसको बराबर फोल्ड करने के बाद देखिए, सभी कोनों को अच्छे से मिला देंगे। ये सिल्की कपड़ा है, थोड़ा सा ऐसे इधर उधर हो रहा है। देखिए, अब देखिए, यहाँ से ऐसे टेढ़ी सिलाई लगाएंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा के कपड़े को मैं इस तरह से कट कर दूंगी। देखिए, ये हमारे इस तरह से बनते चले जाएंगे और इसी तरह से मैं देखिए सभी को बनाकर रेडी कर लेती हूँ, फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये सभी बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब देखिए, अब मैंने एक बड़े वाला सूआ लिया है और उसमें पिंक कलर का धागा अटैच कर लिया है। अब देखिए, यहाँ से हम इस तरह से लेंगे और यहाँ किनारे से इस तरह से देखें, सभी को मैं यहाँ पर इस तरह से अटैच करती चली जाऊंगी। सभी को मैं इसमें डाल लेती हूँ। इसको डालने में थोड़ी सी दिक्कत पड़ेगी, थोड़ा सा, क्योंकि ये मोटा हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह से करके और अच्छे से एक एक करके मैं इसमें पिरो लूँगी सभी को। इस तरह से देखें, मैं सभी को अटैच करने के बाद फिर दिखाते हैं। फ्रेंड्स, इसको हमने यहाँ तक बना लिया है। अब ग्लू गन की हेल्प से मैं इसको यहाँ से अच्छे से चिपका दूँगी और फिर दिखाएंगे। अब देखिए, पहले हम ये चोली तैयार कर लेते हैं। चोली के लिए यहाँ पर देखिए, मैंने साढ़े चार इंच लंबा चौड़ा और 8 इंच लंबा कपड़ा लिया है। देखिए, 8 इंच ये लंबाई है इसकी और 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब देखिए, इसको इस तरह से मैं फोल्ड करूँगी। दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद इस तरह से मैं यहाँ पर एक सिलाई लगा लेती हूँ। अब देखिए, इसको बीच से यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए, यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया है। अब देखिए, हम इस तरह से एक लंबी पट्टी लेंगे और उसको देखिए इस तरह से दोनों साइड से थोड़ा हम इधर से लेंगे और थोड़ा इधर से।
और इस तरह से इसको सिलाई करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने चोली बना ली है और इसके यहाँ पर एक सिलाई लगा दी है। अब देखिए चोली को हम इसके बीच में अटैच करेंगे। सेंटर में आकर हम दोनों तरफ से कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस चोली को हम इसमें अटैच कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर सिलाई को एक बार फिर से हम पक्का कर लेंगे। और हम यहाँ तक इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये चोली भी बनकर कंप्लीट हो गई है और इसको मैं ग्लू गन की हेल्प से चिपका लेते हैं, फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब मैं इसको ग्लू गन की हेल्प से सभी पत्तियों को इस तरह से अटैच करूंगी। देखिए यहाँ से इस तरह से चिपकाएंगे। देखिए इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से हर एक पत्ती को मैं इस तरह से अटैच कर दूंगी बराबर रखकर। इस तरह से सभी पत्तियां मैं चिपका देती हूं। फ्रेंड्स यहां पर मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया है। अब देखिए हर एक पत्ती में मैं इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से पर्ल अटैच करूंगी। एक एक पर्ल अटैच करते हुए सभी पत्तियों में मैं ऐसे ही पर्ल अटैच कर देती हूँ। इस तरह से देखे मैं सभी पत्तियों में पर्ल अटैच कर देती हूँ, फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पर मैंने सभी पर्ल अटैच कर दिए हैं। अब देखिए कैप को बनाने के लिए हमने यहाँ पर मैंने इसमें बुकरम अटैच की है और एक पट्टी तैयार कर दी है। आप नाप के हिसाब से अपने कान्हा जी के कैप बना सकते हैं। देखिए मुकुट बनाने के लिए इस तरह से मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी बैक की तरफ और यहाँ भी मैं ग्लू गन की हेल्प से ही अटैच करूँगी। आप चाहे तो सुई धागे की हेल्प से ही कर सकते हो अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है, और पर्ल भी आप सुई धागे की हेल्प से भी अटैच कर सकते हो। मैं ये 0 नंबर कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। इस तरह से अच्छे से मैं इसको चिपका दूंगी। देखिए इस तरह से मैंने बेस तैयार कर लिया है। अब देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पर ड्रेस में बनाया था वही मैंने ये यहाँ पर मैंने 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेकर इसको बनाकर तैयार कर लिया है इसी तरह से सेम। अब बैक की तरफ आप चाहे तो इसको सीधा भी लगा सकते हो चाहे आप टेढ़ा करके।
इस तरह से देखिए इसको मैंने अटैच कर लिया है। अब मैं कान्हा जी को पहनाने के बाद फिर दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और ये मैंने कान्हा जी को पहना दी है। देखिए कान्हा जी को पहनाने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रही है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।